अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, वेलकम टू अमर फारूकी ऑफिशियल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एंड मेरा पहला एपिसोड आ चुका है फॉर द पाकिस्तान ट्रिप विद माय स्पेशल कजन, विद माय स्पेशल गेस्ट, विद माय स्पेशल ब्रदर फ्रॉम यूके। एंड आई होप कि अब तक आप लोग ये वाला ब्लॉग भी देख चुके होंगे एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, शेयर इट एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो आप लोग कर चुके होंगे। सो आज हम लोग इंशाल्लाह वी आर लीविंग फ्रॉम मुल्तान एंड इट वॉज एन अमेजिंग 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 स्टे। बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। मैं इस तरह फर्स्ट टाइम अपनी भांजी के घर आया एंड वी हैव अ नाइट ओवर हेयर और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। रात को बातें बातें करते रहे, चाय का सेशन भी चला और अब फ्रेश हो चुके हैं। नाउ वी आर हेडिंग टू इस्लामाबाद और मोटरवे लेके, मोटरवे से इट्स लाइक 6.5 आवर्स टिल द टाइम वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह। एंड सो फार द ट्रिप हैज बीन गुड, आई वॉन्ट से एक्सेलेंट, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था। मैं थोड़ा सा गलत रास्ता लेकर सिंध में आई वेंट टू सेवन, सेवन से मैं दादू चला गया और दादू से फिर मोरो में आया हूँ। तो इट टोक अस अराउंड 15 आवर्स टू रीच मुल्तान, बट एंड ऑफ द डे इट वॉज वर्थ इट। यानी ऑब्वियसली हम लोग और ऊपर जा रहे हैं तो इट विल बी वर्थ इट आई होप। और मेरा कजन इज ऑल्सो एंजॉइंग एंड उसका फीडबैक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो वी हैव ऑलरेडी स्टफ्ड आवर लगेज इन द ट्रंक और बस वी आर रेडी टू मूव, रेडी टू गो। सो मैंने कहा मैं व्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से कर दूँ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है एंड सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टे ट्यून्ड, we are heading to Islamabad. Assalamu alaikum. So we have finally left from Multan and hum log ja rahe hain, we are heading towards kya kehte hain Multan Islamabad motorway. Aur Rayan, please, how was your stay? Alhamdulillah, alhamdulillah, it was very very good. Khana bhi first class. How was the hospitality? Hospitality was outstanding. Chai bhi पी थी रात में, थोड़े से बात भी कर रहे थे, फिर जब मेरा सर तकिया पे लगा था तो आई वॉज आउट दो मिनट में और 7-7:30 बजे तक आई डिड नॉट वेक अप वंस। डिड यू हैव अ पीसफुल स्लीप एट नाइट? एक्सट्रीमली पीसफुल, हम तो बहुत थक गए थे ना लाइक कल रात तो। यस, वेरी गुड ओवरऑल, अमेजिंग स्टे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, रहमा, योर्स? रहमा, इट वाज प्रीटी फन। डिड यू एंजॉय? Okay, and did you enjoy with Nile? Yeah. He's a Janu baby or and he's very chubby cheeks. Yeah, and uska main vlog nahi le saka because wo thoda sa zara garmi ki wajah se thoda sa cranky hua hua tha, but now I would have definitely made a vlog with him. And now we are heading towards Islamabad, so raste mein we might stop at Dera and Dera ka main aap logon ko rest area dikhaunga, pehle bhi dikha chuka hu. And now we are leaving this cant area and so let me drive now and inshallah we'll see you. Thoda sa main Multan DH hai aap logon ko andar se dikha do. So this is beautiful, beautiful property and beautiful construction all around. So main bhi aap logon ko pura ye dikhata hu zara. So this is all DH Multan and bahut acha laga hai mujhe, very good, newly constructed. और लुक एट द रोड्स, दिस इज़ द मेन रोड और चार लेन्स की ये रोड है। देर इज़ नो वाटर इशू, नो इलेक्ट्रिक इशू और पंजाब में तो आप लोगों को पता है पानी का वैसे भी इशू नहीं होता है। एंड मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, एक पीछे गुजर गया है, एक आगे आ रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड द होल प्लेस इज़ माशाल्लाह माशाल्लाह सुपर्ब और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और दिस इज़ द प्लेस टू लिव इन इफ़ यू आर इन मुल्तान। और ये जी हमारी आ गई है, आई गेस दिस इज़ द बादशाही मॉस्क का रेप्लिका बनाया है, आगे एक और मॉन्यूमेंट आ रहा है एंड वी थरली इन्जॉयड। और आई विश के मेरे पास टाइम होता तो आई वुड लव टू स्टे हेयर फॉर लाइक अ डे और टू। और यहाँ पर मुख्तलिफ श्राइन्स हैं, मुझे रैयान को वहाँ पर भी लेकर जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रीच इस्लामाबाद, सो मे बी सम अदर टाइम वेन इट्स द वेदर इज़ वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स अराउंड 38-39 डिग्रीज हियर, तो बाहर बैठा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो लेकिन मे बी माइट भी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम अगर ये आए किसी ऐसे मौसम में तो इंशाल्लाह इसको लेकर आए। और ये देखें जी, ये क्लॉक टावर आ गया है एंड
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एंड ये आप लोग देख सकते हैं, दिस लुक्स अमेजिंग अमेजिंग. यू कैन कंपेयर इट विद एनी ऑफ द बेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज इन पाकिस्तान या अक्रॉस द वर्ल्ड. और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्लानिंग हुई भी है. सो नाउ वी आर हेडिंग आउट और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तला को मैं फॉलो कर रहा हूँ. तला इज़ ऑल्सो लिविंग फॉर कराची. अनफॉर्चुनेटली उसकी पप्पी का कल इंतकाल हो गया और वो हमारी वजह से रुका हुआ था. एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड दैट वी हैव सच गुड माशाल्लाह फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह. सो बस अब हम लोग, वो हमें छोड़ेगा मुल्तान, सॉरी मुल्तान इस्लामाबाद मोटरवे पर, और वहाँ से वो भी निकल जाएगा. सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल सी यू एट तेरा. तो जी वी आर लीविंग मुल्तान माशाल्लाह. और ये देख लें द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह. और खुदा हाफिज मुल्तान भी आ चुका है. और नाउ वी हैव लेफ्ट मुल्तान टूवर्ड्स द मोटरवे. और ये आ गया है जी M4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं. अब आई डोंट नो कि हमें M4 पर ही जाना है. और अब लेट्स सी, क्योंकि आगे आगे तला जा रहा है तो वी आर फॉलोइंग तला. तला मुझे छोड़ देगा एक मोटरवे पर और वो अपने मोटरवे से निकल जाएगा कराची. अभी रास्ते में जी अभी हम लोग रुके हैं, एक रेस्ट एरिया आया है. ये छोटा सा रेस्ट एरिया, दिस इज़ नॉट द मेन रेस्ट एरिया. बेसिकली गाड़ी में से मुझे पानी की बॉटल निकालनी थी. और आप ये देखें, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पंजाब माशाल्लाह. ग्रीनरी एवरीवेयर. और ये फार्म है और मुझे इस तरह की जगहों पर, लाइक आई रियली वॉन्ट टू स्टे अ नाइट और टू ऐसी जगहों पर एंड टू हैव द फीलिंग कि फार्म में रहना कैसा होता है. और ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है. आई लव इट. टू गुड टू गुड. तो ये पूरा हाईवे पर, सॉरी मोटरवे पर इसी तरह है एंड साफ सुथरा. और ये अभी हम लोग यहाँ ठहरे हैं, ये गाड़ी है हमारी जी. और ये कोई ऐसा रेस्ट एरिया नहीं है, इट्स ओके. तो बस सिर्फ पानी की बॉटल लेने के लिए रुके थे. कुक 5 मिनट्स स्टॉप. नाउ आई एम हेडिंग बैक. तो जी ये कंफर्ट रेस्ट रूम्स हम लोग रुके हैं यहाँ पर. एंड ये टाइम आउट कॉफ़ी टी हम लोगों ने पी है, कॉफ़ी पी है. एंड दिस इज़ द एटक पेट्रोल पंप और ऑन द मोटरवे. और आपको पता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली एंड स्पेशली द लेडीज़, दे वांट द बेस्ट ऑफ द वॉशरूम्स. हम तो कहीं पर भी रुक जाएं, लेकिन ये आपको दिखा रहे हैं कि इनकी वजह से दोबारा एक स्टॉप ओवर करना पड़ा हमें यहाँ वॉशरूम्स में. और दे आर वेरी गुड. दे चार्ज यू लाइक 70 रुपीज़ फॉर द वॉशरूम एंड बट इट इज़ वर्थ इट, वर्थ स्पेंडिंग. और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ ये बटन इसका स्विच है थम इम्प्रेशन का. और यहाँ पर रियान साहब गए हैं वॉशरूम. सो इट्स वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छे, वेरी वेल मेंटेन एंड क्लीनिंग 24 आवर्स. और काफ़ी अच्छा रहता है. तो बस यहाँ पर कोई स्टॉप ओवर था फॉर लाइक 5-10 मिनट्स. हमारे ऑलरेडी 2 स्टॉप ओवर्स हो चुके हैं. सो वील बी रनिंग अ बिट लेट आई गेस. तो देखते हैं, लेकिन ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिलीज. तो हम चलते हैं यहाँ से. नाउ लेट्स हेड ओवर टू बेरा. तो जी ये हमारा मेजर स्टॉप जिसे बेरा कहते हैं, इस्लामाबाद से पहले और जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं. एंड लुक एट दिस रेस्ट एरियाज, बहुत ही ज़बरदस्त है. यहाँ पर पेट्रोल पम्प मौजूद है, यहाँ पर वी हैव गॉट एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह सारे आउटलेट्स यहाँ मौजूद हैं. वो राहत बेकरी है, हार्डीज़, KFC और कुछ नए नए खुले हैं, जैसे ये अल फरूज, ये नया खुला है. और उसके अलावा ये वाला नया खुला है कर्नल समथिंग. तो अभी हम लोग आए हैं
और मैकडोनल्ड्स भी मौजूद है इधर। और ये देखें जी द मनाल फ्यूजन, और ये हमारी कार खड़ी हुई है और रैयान साहब गए हैं तो ये देखने के लिए गए हैं कि इनको क्या चाहिए खाने के लिए। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं जब तक व्लॉग बना लूँ अपना। तो आज मेरे ख़्याल में क्योंकि मुहर्रम चल रहा है तो उस वजह से ज़्यादा रश नहीं है। अगर जो लोग मेरे शुरू के सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद होगा कि जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा रश था और मुझे जगह मिली थी उस तरफ कहीं, तो अभी तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा खाली हुआ है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो मे बी बिकॉज ऑफ मुहर्रम। लेकिन ये वो स्टॉप है जहाँ हर बंदा आकर रुकता है, एवरीबडी कम्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई वुड रादर से 80-90% गोइंग टू इस्लामाबाद दे ऑलवेज हैव अ स्टॉप ओवर हियर। तो अभी हम लोग बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखें जी, और मेरी जो पहली जो सब्सक्राइबर थी वो थी मैकडोनल्ड्स की, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हर नेम, लेकिन मेरी पहली सब्सक्राइबर जो थी वो मैकडोनल्ड्स की एक सर्वर थी एंड शी आल्सो मोटिवेटेड मी फॉर द व्लॉग्स। तो थैंक यू। एंड आफ्टर एग्जैक्टली वन ईयर एग्जैक्टली द सेम डे, आई डोंट नो द टाइम बट इट वॉज रफली अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम था कि वी हैड अ स्टॉप ओवर हेयर। यप, सो दिस इज ऑल भेरा फॉर यू। It's been decided that we are going to Al Farooj Saudi Fried Chicken, and Rayyan is already in there, so let's go. This is their seating arrangement. ये इनका पूरा seating area और ये रहा इनका जी मेन्यू, देख लें आप लोग क्या क्या है। ब्रोस्ट, ड्रमस्टिक्स, विंग्स, बर्गर्स, और यहाँ कॉफ़ी मिल रही है, कॉफ़ी मंगवाई है, ब्लैक कॉफ़ी। एंड हियर वी हैव गॉट मिस्टर रैयान सिटिंग वेटिंग फॉर हिज फूड नाउ। सो जी बेहरा के भेरा में हम लोगों ने स्टॉप ओवर किया हुआ है एंड रैयान इज ईटिंग चिकन विंग्स अल फरूज के चिकन विंग्स। एंड ब्रह्मा व्हाट आर यू ईटिंग, कैन यू शो अस अल फरूज के मसाला फ्राइज। ब्रह्मा खा रही है और मैं एज यूजुअल अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। रैयान प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस फ्रॉम मुल्तान टू इस्लामाबाद मोटरवे एंड Yep, so far so good. हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या नाम था आपने इसके? भेरा इंटरचेंज। इतने ऑप्शंस हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाऊं। तो हमने ऑप्ट किया अल फरूज के लिए, आई थिंक गुड ऑप्शन था। मैंने अभी तक एक विंग खाया मगर वेरी गुड, बहुत गर्म है, कॉफी भी ली हुई है। आई थिंक आप कह रहे थे आधे रास्ते पे, हाँ आधे रास्ते पे आ चुके हैं इंशाल्लाह। इस्लामाबाद इज लाइक 2 hours 15 minutes फ्रॉम नाउ और इंशाल्लाह डायरेक्ट इस्लामाबाद क्लब जाएंगे हम लोग। और वन मोर थिंग, ही वाज गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स। मी या ही वांटेड टू गो टू मैकडॉनल्ड्स, तो मैंने इसको कहा बहुत प्यार से, मैंने कहा तुम मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में खाओगे, सोच भी नहीं सकते। अच्छा सोच भी नहीं सकते। व्हाट आर योर लाइक मैकडॉनल्ड्स यू ईट? नो नो। एंड देयर इज वन गर्ल इन अ कार who has a fries in her hand. She wanted fries from McDonald's, which her baba said no. So I asked her to try some other fries and she is enjoying those fries. Kuch kehna hai? No, she doesn't want to say anything because she is enjoying her fries. To bas ab yahan to thoda sa stop over hai, hum logon ne liya I guess 15-20 minutes ka, aur bas abhi main coffee peeta hu, phir yahan se nikalte hain directly inshallah aapko Islamabad mein milte hain। अस्सलामुअलैकुम, हम अब पाकिस्तान की नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। वी हैव जस्ट लेफ्ट द पेट्रोल पंप और वी सॉ इन फ्रंट ऑफ अस इतना अच्छा माउंटेन व्यू। तो
तो हम उसको एडमायर कर रहे थे और थोड़ी सी देर हो गई फूड निकालने में, क्योंकि हम इतने अमेज थे कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान में। अब आप देखें कि इतने ग्रीन ग्रीन सब माउंटेंस है और फोन पे कैप्चर नहीं हो सकता कि कितना खूबसूरत है। तो आप ये देख लें, दिस इज अमेजिंग रियान, दिस इज अमेजिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्यूटीफुल। वी हैव फाइनली रीच्ड टू इस्लामाबाद क्लब एंड लुक एट द बिल्डिंग, माशाल्लाह। We are entering Islamabad club at exactly 6 o'clock. Yes. और finally हम लोग आ चुके हैं। I am free from sitting in the car. हम अंदर जाते हैं और check in वगैरह करते हैं। ये आ गया जी इस्लामाबाद क्लब हमारा। So we are going in our room now. रहमा, तो हाय, थैंक यू रहमा। और रहमा क्लोज द डोर। तो जी ये हमारा बेसिकली दिस इज आवर लाउंज, द सिटिंग एरिया, एंड यू कैन सी रयान ऑलरेडी सिटिंग देयर। एंड हियर इट इज, दिस इज टू बेडरूम सुइट, सो दिस इज अ वॉशरूम एंड दिस इज, दिस विल बी आवर बेडरूम फॉर टू डेज इंशाल्लाह इन इस्लामाबाद क्लब। ये देख लें जी, ये रहमा ने चूज किया है एंड उसके बाद जो है दूसरा बेडरूम इज हियर, सो वी विल सी दिस बेडरूम एंड दिस इज द अदर बेडरूम जहां पर रयान साहब स्टे करेंगे एंड यू कैन सी। और ये रयान साहब का वॉशरूम भी है, सारी चीजें हैं एंड रयान विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि रात को जैसे हम लोग लेट सोते हैं, रयान को जल्दी सोने की आदत है, so he can just go in his room and he can sleep as well whenever he wants to. और Rahima is very excited जी। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी टेबल है जिसके ऊपर अभी सामान रखा हुआ है और उसके बाद ये टीवी आ गया है, ये हमारी डाइनिंग टेबल आ गई है और ये हमारा इसमें ये फ्रिज है एंड लुक एट दिस, माशाल्लाह टू बेडरूम सीट, इट्स वेरी गुड एंड आई रियली लाइक इट। मैं पहले भी रुक चुका हूँ यहाँ इस्लामाबाद क्लब, सो हेयर इट इज। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं। और ये हमारी कॉफी स्टेशन भी आ चुका है यहाँ पर, और ये देखें जी, इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स। और ये आ चुके हैं जी। ओके जी, सो इट्स अराउंड 12 o'clock एंड वी हैव कम टू सेकंड कॉफी एंड कॉफ़ी पीने का बहुत दिल चाह रहा था, कुछ ज़रा ब्राउनीज वगैरह खाने का दिल चाह रहा था, सो वी ट्राई टू गो टू सेकेंड कप, वो सॉरी बर्निंग ब्राउनी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके। और रयान साहब यहाँ बैठ चुके हैं, ये रहमा बैठी हैं। सो रयान, एनी फीडबैक ऑन इस्लामाबाद? इस्लामाबाद वेरी नाइस, वेरी क्लीन, वेरी डिफरेंट वाइब्स कराची से। ओके, सीम्स मोर बसल बसल है मगर कम है, काम काम काम। एंड सो फार डू यू लाइक इस्लामाबाद? आई डू, आई डू, अभी तो रात में देखा है, इंशाल्लाह कल थोड़ा सा घूमेंगे इंशाल्लाह। सो वी हैव कम हियर और ये आप लोग देख लें जी, सो इट्स 12 o'clock और अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लेट्स सी व्हाट वी ऑर्डर हियर। और ये भी है जी वड़ा पराठा, सो द वाइब्स आर गुड, सो लेट्स एंजॉय सम कॉफी। ओके जी, सो फाइनली आवर फ्रेंच टोस्ट इज हियर विद न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट विद मेपल सिरप, और ये देख सकते हैं इट्स सो यमी, इट्स लुकिंग वेरी यमी, वाओ लुक एट द थिकनेस ऑफ द ब्रेड, ब्रेड की आप लोग थिकनेस चेक करें। एंड हियर माई डॉटर इज हैविंग the vanilla ice cream, I hope she is good, yeah। और अभी हमारे cold chocolate, chilled chocolate कुछ आ रहा है, वो आता है तो फिर we'll share।
और जी ये आ गया है हमारा, क्या चीज थी सॉरी बड़ी, फ्रोजन हॉट चॉकलेट। वाओ, एंड आप देख सकते हैं कि ये फ्रोजन भी है और हॉट भी है और चॉकलेट भी है। सो वील टेक अ सिप, भाई एक सिप लेकर बताओ। It's very good. It's like dark chocolate. Dark chocolate. Which I like. Okay. So, Rayyan has approved it. So, I guess it will be very good. It is refreshing. And well, मैं भी आ गया हूँ जी ब्लॉग में। मेरी भी शक्ल आप लोग देख लें। Honestly speaking, very good, very good, and it's very chilled as well. और up now, let's dig into our French toast. And क्योंकि मैंने फ्रेंच टोस्ट काफी दिन हो गए थे, तो अभी मेरा दिल चाहा तो आई थॉट के व्हाई नॉट हैव सम फ्रेंच टोस्ट। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं एंड वी हैड अ वेरी 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 गुड टाइम एट सेकंड कप कॉफी। कॉफी भी हो चुकी है, फ्रेंच टोस्ट भी खा चुके हैं एंड नाउ इट्स वेरी लेट एट नाइट। इट्स अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज आई गेस 1:30 to 2 o'clock एट नाइट एंड वी आर हेल टायर्ड। बहुत 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 ज्यादा मजा भी आया है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। थैंकफुली कल का जो दिन है वो हम यहीं कमरे में ही रहेंगे, विल डू सम स्विमिंग और कुछ एक्सरसाइज के लिए जाएंगे एंड इंशाल्लाह डे आफ्टर हम लोग नारान के लिए निकल जाएंगे। सो यहीं पर इस ब्लॉग को मैं खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे लाइक करते रहिए और मेरे लिए दुआ भी करते रहें और हम सब के लिए कि इंशाल्लाह अब जो हम लोग जो जा रहे हैं नारान और उसके बाद इंशाल्लाह हुंजा, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गुजरे। एंड एंड में यही कहूंगा कि प्लीज अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखें, छोटों से प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए। जिंदगी 4 दिन की है, खुशियां बांटें प्यार बांटें एंड हमेशा की तरह प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर व्लॉग, इट्स अम्मार फारूकी ऑफिशियल साइनिंग ऑफ।